कहते हैं कि शिव को पाने के लिए मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर आपको शिव के बारे में जानना है और अपनी अंतरात्मा को पहचानना है तो यहां आना ही होगा। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर, जिसे तुंगनाथ के नाम से जाना जाता है। तो ये कहानी है भगवान शिव के नंदी रूपी पांच भागों की, जिसे हम पंच केदार कहते हैं। पंच केदारों में से एक केदार है तुंगनाथ। यहां महादेव के हृदय और उनकी पूजाओं की पूजा की जाती है। ये कहानी है तुंगनाथ मंदिर का निर्माण करने वाले पांच पांडवों की। कहानी है माता पार्वती की, जिन्होंने शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए यहां तपस्या की थी। तुंगनाथ का मतलब होता है पहाड़ों का भगवान। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो अभी हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पहुंचे नहीं है, बस बीच में है। अभी हम लोग अगस्त मुनि पहुंचे हैं और यहाँ पे बहुत लंबी जाम लग रखी है। आगे एक चेक पॉइंट है तो रोक रखा है सबको अभी यहाँ पे। तो बाकी तो आप व्यू देखिए यहाँ का। अभी चलान काटने में डर रहा है, चलान कट गया। गाइस ये हमारे गौरव भाई हैं, लोकल आदमी। क्या भाई, ये जा रहे हैं पुलिस भाई से बात करने। टेंशन मान लो, कह रहे हैं हमें निकालो। सो गाइस फाइनली हम लोग चौपटा पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग ने रूम ले लिया है, रात में ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे तुंगनाथ के लिए। अभी यहाँ थोड़ी देर स्टे करते हैं, आराम करते हैं और फिर रात में ट्रैक स्टार्ट करेंगे तुंगनाथ और चंद्रशिला के लिए। बाकी टेम्परेचर तो यहाँ सही है, थोड़ा बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है। रात में थोड़ा और टेम्परेचर डाउन हो जाता है। और ये हमारा रूम है, ऐसे ही रूम मिलते हैं यहाँ पे। अगर थोड़ा सो गाइज अभी हम लोग यहाँ खाना ना खाने आए हैं और ये प्रखर भाई की थोड़ी थाली आ चुकी है और ये अपना अलग मस्त है। पता नहीं किस यादों में खोए हुए हैं, यादों में खोए हुए हैं शिव जी के। हम लोग अभी अपने पराठे के इंतजार में, शिव जी के घर पे आते ही इसके भांग गिरने से होने लगे हैं। सो अभी तो हम लोग शाम को ट्रैकिंग कर रहे थे, पर थोड़ा प्लान में चेंज है। तो अभी हम लोग दोपहर में ट्रैकिंग कर रहे हैं क्योंकि शाम को थोड़ा बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, क्योंकि अभी भी इतना ठंडा हो रहा है, धूप है उसके बाद भी ठंड लग रही है।
तो अभी हम लोग दोपहर में ट्रैकिंग करेंगे, 2 बजे स्टार्ट करेंगे और रात में 9-10 बजे तक वापस आ जाएंगे। हमें नहीं लग रही है रात में रेस्ट करके फिर निकल लेंगे सुबह घर। हमें ठंड नहीं लग रही क्योंकि हमें आदत है। हाँ इसे तो आदत है। एक्सपीरियंस ऑफ 4 इयर्स, इट्स माय फोर्थ टाइम ऑफ 4 साल ही अपने गाँव में क्या रह लिया, ऐसे एक्सपीरियंस हो गया अभी पता चलेगा। शरीर में बहुत गर्मी है भाई, 17 साल से गाँव नहीं गया, एक्सपीरियंस है इसे। मैं बताऊंगा साल हो जो लोग इस टोंगनाथ के पराठे भट्टी में बनते हुए जो टोंगनाथ, हाँ चौपटा के पराठे हैं। तो गाइस थोड़ा सा लेट हो गया है, अभी 3 बजने वाला है। सो अभी चलते हैं हम लोग ट्रैकिंग के लिए तुंगनाथ ऊपर। रेडी? ये प्रखर भाई बिल्कुल फुल मूड ऑन। एक जगह ना ले देने के, एक जगह देंगे, एक जगह को ये हमारा तुंगनाथ का द्वार यहाँ से शुरू होता है। दो बज के 35 मिनट पे शुरू किया है और देखते हैं कितने मिनट में कवर करते हैं या पहुंच पाते हैं। तो गाइस अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट हो चुकी है। सो अभी हम लोगों ने थोड़ा ब्रेक लिया। ये देखिए हर हर महादेव, क्या बात है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट हुए हैं चढ़ाई करे हुए और श्री शिवाय नमस्तुतम। और अभी ज्यादा ऊपर तो ट्रैक नहीं हुआ है। अरे फोटो खिंचवा लेंगे जिसे। बाकी अपना ये सामने का व्यू देखिए एकदम मस्त। और ये ट्रैकिंग ऊपर चलती चली आएगी। सो हमारा आधे से ज़्यादा रास्ता कवर हो चुका है और बहुत ही मुश्किल ट्रैक है, बिल्कुल सीधा एकदम। तो और प्रखर भाई आगे साइड निकल गए हैं बहुत, और जतिन भाई की थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, पेट में दर्द दर्द हो रहा है ऐठन ऐसी, नहीं तो अब तक तो रास्ता कवर हो जाता। ये प्रखर भाई लिमका पीते हुए, ये फुल एनर्जी, लेट्स गो भाई। भाई कह रहे हैं आगे बैक पे रख दो अपने पांव, आप ये अपने कह के साइड हो जाओ भाई। जतिन ऐसे ले चले तुझे भाई, उस वाले मूवी में था नहीं तो केदारनाथ वाले मूवी में। भाई सीधे तुंगनाथ आना, जतिन भाई का कहना है द्वार गए फिर तुंगनाथ आए, सिर्फ तुंगनाथ आओ के लिए। भाई एक मैंगो व्हाइट आओ और चढ़ाई का जॉक कर दो भाई। एक की दो माल मिलने वाली टॉफी, यहाँ 2 की 1 मिल रही है। अरे नहीं, एक की मैंगो व्हाइट खाओ, चढ़ाई कर दो। उड़ने डूबे गया रे चैता की चैतवालिया, चैता की चैतवालिया, चैता की चैतवालिया। वेलकम बैक गाइस, हमने यहाँ तुंगनाथ यात्रा की ट्रैकिंग की 3 किलोमीटर पूरे कर लिए और ये भाई साहब थक गए हैं थोड़ा,
पानी की बोतल लेके बैठे हैं। इनकी वजह से हमारा एक घंटा लेट चल रहा है। मना नहीं भाई, बहुत ज्यादा थक गया हूं। और एक बंदा हमारा बहुत आगे चल रहा है, पता नहीं, उसे ढूंढना पड़ेगा, उसके लिए रुकना पड़ेगा। और ये कार्तिके गौरव भाई, वन लुक ये शेर। सो वो वाइट वाला मंदिर तुंगनाथ मंदिर है, और तुंगनाथ मंदिर वही डेस्टिनेशन है, और चंदशिला उसके ऊपर है, ये डेस्टिनेशन है भाई। और ये वाइट, ये तुंगनाथ मंदिर है। सो अभी इतना ट्रैक हमारा बाकी रह गया है, और ये गौरव भाई यहाँ चाय नाश्ता करने लगे हैं। चाय नाश्ता क्या, पंजाबी तड़का, थोड़ी एनर्जी ले रहे हैं, और थोड़ा सा क्रैम्प आ गया है। लेट्स गो, थोड़ा ही बचा है। मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ तब भी तेल दिया, और ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, पंजाबी तड़का ही खा रहे हैं। चलो भाई पकड़ वीडियो, अब मेरा वार्म अप देख। अब ये रास्ता मैं 10 मिनट में कवर करूंगा। यस, चीड़ी मुखी डूम तड़का, लेट्स गो गाइस। ये बोला हू हा। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। उठो पार्थ, अरे भाई लक्ष्य की ओर अग्रसर हो। हर हर महादेव। महादेव के पुत्र कार्तिके, महादेव के पुत्र कार्तिके अभी विश्राम कर रहे हैं, थोड़ा उन्हें विश्राम करने दीजिए। चलो महादेव से मिलने चलते हैं, जो ज्यादा दूर नहीं है, वो व्हाइट वाला ही है। अगर वहाँ हो सके ठीक है। और ये हम 3.5 किलोमीटर ऊपर आ गए हैं ग्राउंड लेवल से। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो दिखा दूं। देखो गाइस सामने मोबाइल है, वाइट वाइट दिख रहा होगा थोड़ा आपको। लेट्स गो गाइस, चलते हैं अभी। यहाँ से तुंगनाथ मंदिर दिख रहा है, और हल्का हल्का टेम्परेचर डाउन होता जा रहा है, जैसे और ऊपर जाएंगे टेम्परेचर डाउन होता चला जाएगा। और सूरज तो है लेकिन ठंड बढ़ती जा रही है हल्की हल्की। सो अब तो फुल मैं तो गरम टी शर्ट जैकेट फुल कवर किया हूँ। गाइस मंदिर दिख चुका है सामने, अब तो बहुत ही पास आ गए, क्या बात है। ओहो चलो, इतनी चढ़ाई के बाद फाइनली बस 10-15 मिनट में पहुंचने वाले हैं। ओह बहुत हार्ड ट्रैकिंग है यार। गाइस फाइनली रीच्ड। ओ भाई जय बाबा तुंगनाथ। ये है कि नहीं, क्या बात है। ले लेते नीचे से भैया, तुम तो अलग ही हो, नखरे कर रहे हो। इधर आ। दिस इज तुंगनाथ बाबा टेंपल। ओहो अभी हम लोग दर्शन कर चुके हैं। अब हम चंदशिला तो कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ बहुत डाउन होता जा रहा है, और चंदशिला जा माइनस में जाएगा 4-5 डिग्री, तो सहन ना होगा क्योंकि हम कपड़े वपड़े में ना लाएंगे। चंदशिला अभी 1.5 किलोमीटर बाकी है ऊपर यहाँ से, और हमें 3 घंटे लग जाएंगे नीचे उतरते। उससे बढ़िया 3 घंटे में नीचे उतर लेंगे। एक काम करो तुम, 1 घंटे रुको यहाँ। नहीं भाई नहीं भाई। सो गाइस ये पीछे और शिव जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इधर 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 गौरव, गौरव इधर इधर। तो गाइस ये हमारे पीछे तुंगनाथ का मंदिर है, और मैं कार्तिके महादेव का पुत्र फाइनली महादेव से मिल लिया बहुत दिनों बाद। बढ़िया दर्शन हुए एकदम अंदर जाके, लेकिन चंदशिला नहीं चढ़ा पा रहा था। चंदशिला नहीं हो पाएगा क्योंकि नहीं हो पाएगा, एक बंदा दूसरा बंदा, इन दोनों बंद की वजह से -4 डिग्री। गाइस टेम्परेचर झेल लूंगा इन दोनों बंद की वजह से, ये दो बंदे हम चंदशिला नहीं जा, ये दो बंदे।
सो ये है चंद्रशिला हाईएस्ट पीक। सो यहाँ पे हम लोग तो नहीं जा पाए, लेकिन हमारा एक फ्रेंड आगे चल रहा था, वो यहाँ पे गया, उसकी कुछ क्लिप्स आपको दिखाते हैं। तो गाइस कहते हैं चंद्रशिला में भगवान राम ने रावण को मारने के बाद यहाँ पे तपस्या की थी, क्योंकि वो राक्षस था फिर भी वो ज्ञानी था बहुत, तो उन्होंने ब्राह्मण हत्या का पाप न लगे इसलिए उन्होंने यहाँ तपस्या की। और एक कहानी और है क्यों इसका नाम चंद्रशिला पड़ा, अभी बताता हूँ। तो यहाँ पर कहा जाता है कि जो प्रजापति दक्ष थे उनकी लगभग 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से हुआ, पर चंद्रदेव उनमें से एक पुत्री से ज़्यादा प्रेम करते थे। तो प्रजापति दक्ष ने उन्हें श्राप दे दिया, जिससे उन्हें एक शायद 6 रोग लग गया। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर तपस्या की जिस शिला पे बैठ के, उसे इसलिए इसका नाम पड़ गया चंद्रशिला। देखो व्यू देखो, ये भाई अभी ट्रैक कर रहे हैं, पीछे करीब 500 मीटर का और होगा बचा है अभी। तो गाइस ये है चंद्रशिला का ट्रैक हम कर रहे हैं यहाँ पे, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। चारों हैं अभी पीछे बहुत उत्साह, अभी तुंगनाथ मंदिर को मैं दर्शन कर रहे हैं। मैंने सोचा इतना आगे का मैं रिकॉर्ड करूँगा कुछ, देखो व्यू दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो दोस्तों ये पुजारी बाबा न किसी सहारे के आराम से चलते हुए आ रहे हैं। वो रहा हमारा डेस्टिनेशन, वहाँ तक यहाँ चल रहा है, यहाँ से व्यू देखो। वो बाबा जी बता रहे हैं दौड़ो मत फिसल जाओगे चोट लग जाएगी, चलो पर हम उसी रास्ते से चलेंगे जो रास्ता है, यहाँ पे शॉर्टकट वाला रास्ता भी पर वो फिसलना है, तो आपको रिकमेंड करूँगा आप इसी रास्ते से जाएं। देखो गाइस वो है ऊपर चंद्रशिला और यहाँ से आप व्यू देख सकते हो। ग्रेट व्यू ऑफ नेचर, इससे आइडिया लगा सकते हो हम लोगों की क्या औकात है नेचर के आगे। फाइनल गाइस हम पहुंच चुके हैं चंद्रशिला, देखिए यहाँ से यहाँ बहुत ज्यादा धुंध है, यह एक लंबा घूमते देखिए यहाँ से कितना छोटा लग रहा है सब कुछ। सो गाइस हमारे दर्शन हो चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है 6:45 और हम उतरना स्टार्ट कर चुके हैं, और ये व्यू देख सकते हैं आप, और टेम्परेचर डाउन होता जा रहा है, 12 डिग्री सेल्सियस हो चुका है टेम्परेचर, और मुंह सुन होता जा रहा है, मैंने टोपा भी पहन लिया देख रहे आप, थोड़ा हाथ ठंडे होते जा रहे हैं, बिल्कुल हाथ ठंडे होते जा रहे हैं। और 6:45 पे हमने उतरना स्टार्ट कर दिया है, अब देखते हैं कितनी देर में उतर जाते हैं। अब हम चोपटा में सीधे रुकेंगे जाके अपने होटल पे। उड़ने डूबे गाय रे चैता की चैतवालिया, शिव जी का बागवान सची।
फूल फूलिया छना, अरे फूल फूलिया छना, हाँ फूल फूलिया छना। अरे भैया क्या अंधेरे में कर लू है ना, उन्हें अपने पिछले जन्म की याद है कि ओए फ्लैश खोलिए, मेरा मिलन नहीं हो पाया तो वो जाती है तो मैं फोन जेब में दोनों हाथ भी नहीं दिख रहे, भगवान कब उठेंगे तो क्योंकि वो उनके सबसे प्रिय वो है तो उनसे पहले वो उनके कान में वो मांगती है कि ये मुझे अपने पत्नी रूप में स्वीकार, फिर वो उनके पास जाती है, फिर वो कामदेव वाली कहानी है कि कामदेव को भस्म कर देते हैं। क्या देख रहे, कहानी खत्म हो गई, बहुत जल्दी खत्म हुई, चलो यार। तो गाइस फाइनली हम लोग चोपटा में आ चुके हैं और तुंगनाथ का ट्रैक खत्म हुआ, ये देखिए ये गेट है और अभी जाके सीधे रूम पे रेस्ट करेंगे, सीधे रूम पे जाके रेस्ट करेंगे यार, चला भी नहीं जा रहा आपको। ये देखिए चोपटा का तुंगनाथ का ट्रैक यहाँ से शुरू होता है, पैर छू लीजिए हटिए, ओ भाई चलो गाइस तुंगनाथ का ट्रैक यहाँ खत्म होता है, हमने एक घंटे में कवर कर लिया है, कवर जल्दी कर लिया, अब सीधे रेस्ट करेंगे थोड़ी देर में मिलते हैं। The next day. तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ चोपटा से रुद्रप्रयाग के लिए और हमारी जर्नी यहीं पे एंड होती है ट्रिप। सो महादेव की कृपा से हमारी ट्रिप बड़ी प्यारी और आरामदायक कटी और अब हम जल्दी से घर पहुँचना चाहते हैं। और ये रहा हमारा तुंगनाथ का मेन गेट, लास्ट बार आप देख लीजिए, और ये रहा पूरा चोपटा। उत्तराखंड के पहाड़िया में जीसा लग से आ गया मैं लंदन में मनाई साला कैसे, उत्तराखंड की पहाड़ियाँ में जी साला कैसे आ गया मैं लंदन में मनाई साला कैसे, पार्वती मैया तने प्रणाम तू चारूप सचंडी रे, सामने मीना लाग रहा बारिश ठंडी ठंडी रे, अरे आ जो चमक चमक गंगे मैया बहरी चलावे भोले नाथ से मेरा, हो रे आ दुनिया तो मार के ने राजी बचावे भोले नाथ से मेरा, हो रे आ दुनिया तो मार के ने राजी बचावे भोले नाथ से मेरा। बेशक गरीब से हालात बाबा जी पर छोटा सा एक शिवलिंग तो ले जाऊंगा,